खड़ा ही नहीं हो पाता, संबंध बनाने की इच्छा ही नहीं होती है बिल्कुल। पहले ठीक था, अब होने लग गया, या फिर बचपन से ये दिक्कत है। और ऐसा भी है कुछ लोगों के साथ कि पहले ये सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से जिम जाने लगे, जब से ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह लेने लगे, तब से ये दिक्कत हो गई है। तो इन सब दिक्कतों के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या उसका इलाज है, क्यों ये चीज़ें हो रही है, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो पूरी देखनी है पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इच्छा नहीं होना, या फिर क्या है कि उस टाइम पे पोजीशन में नहीं आ पाना पार्ट का, ऐसी जो ये दिक्कतें होती हैं, इनके पीछे बहुत हद तक एक ही कारण होता है बहुत सारे पुरुषों के अंदर, जो क्या है कि हार्मोन कम हो जाता है। वो हार्मोन है जो पुरुषों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, मतलब मेनली पुरुषों का ही हार्मोन होता है, और वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब ये चीज़ आती है, जब ऐसे बोलते हैं कि लड़का बड़ा होने लगे, जैसे लड़की बड़ी होती है तो उसको क्या होते हैं, पीरियड्स हो जाते हैं। जब लड़का बड़ा होता है तो कैसे पता चलता है कि जो उसके पार्ट्स होते हैं नीचे के, वो उनका साइज वो फंक्शनल हो जाते हैं। उसके साथ साथ क्या है कि उसकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, जैसे मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, ये चीज़ें अलग अलग जगह पर अलग अलग पैटर्न के बाल आते हैं। लड़कों की वो चीज़ें अलग होती हैं और लड़कियों की वो चीज़ें अलग होती हैं, तो पता चलता है कि हाँ लड़के के अंदर वो हार्मोन है, अच्छे से काम करे, ये चीजें होने लग गई है। तो अगर ये हार्मोन कम है बचपन से ही, तो यही चीजें उसकी वहीं पर ही डिफेक्टेड हो जाएंगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम है तो वहीं पर वो चीजें खत्म हो जाएंगी, मतलब ये चीज़ें होंगी ही नहीं। तो अगर दिक्कत के साथ जाओगे तो इस दिक्कत के साथ जाओगे। और अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि पहले ठीक था बचपन में, पहले ये हार्मोन बन रहे थे, सब सही था, लेकिन अब जो है इसकी कमी हो गई है किसी कारण से, तो उसकी वजह से ये दिक्कतें आने लगी कि इच्छा नहीं हो रही है या फिर खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो सब चीज़ें, राइट। तो क्या होता है और इस हार्मोन में कब बनता है, कहाँ बनता है ये हार्मोन, इसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले ये हार्मोन जो है ये बनता है जो पुरुषों के अंदर अंडे होते हैं, अंडाशय जिसको बोलते हैं, जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं, जो गोलियाँ बोलते हैं कुछ लोगों ने, वहाँ पर ये हार्मोन बनता है, मेनली वहाँ बनता है 98 से 99% तक। और कहाँ बनता है, जो किडनी होती है उसके ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, उस पर बनता है थोड़ा, और कुछ पार्ट इसका स्किन में बनता है, पर मेनली वहीं पर बनता है, ठीक है। तो अगर ये हार्मोन ही कम हो जाएगा तो मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगी। तो अब ये हार्मोन कम है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन देखा कि कोई सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, कोई टैबलेट मिल रही है जिसके अंदर लिखा है टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है इससे, ठीक है, खुद का चेक नहीं करा, कुछ नहीं देखा लेकिन ले ली। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जिम जा रहे हैं तो वहाँ पर रिटर्न नहीं होता कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या ये नुकसान कर रही है क्या नहीं। आपको क्या चाहिए, मस्कुलर बॉडी चाहिए, मतलब ऐसा दिखना है कि हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे मसल्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आपके साथ हो रहे हैं, उसकी वो जो ख़राब चीज़ें कर रहे हैं वो आप तो देख ही नहीं रहे, तो वो क्या देता है, वो आपके इस हार्मोन की दिक्कत कर देता है, कमी कर देता है, तो फिर दिक्कतें आने लग जाती है संबंध बनाने से जुड़ी हुई। तो अगर आप बॉडी चाहते हैं तो उसके लिए ये चीजें मैं चाहती हूं कि आप नहीं ले, क्योंकि अगर वो इतनी बड़ी दिक्कत दे रही है, आप मान सकते हो कि वो ऐसी दिक्कत है कि जो बच्चा है ना वो भी पैदा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हार्मोन ही रिलेटेड होता है शुक्राणुओं के भी बनने से, और जब शुक्राणु ही नहीं होगा तो अंडे से मिलेगा क्या बच्चा बनाने के लिए, समझ रहे हो आप। तो वो चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा। और जो भी चीज़ें लो, मान लो कि आप कोई दवाई देख रहे हो, अभी आपने क्या किया, आप टेस्टोस्टेरोन टेस्ट भी होता है, टेस्टोस्टेरोन की अगर कमी होगी, हार्मोन की अगर कमी होगी, तो उसको आप टेस्ट करवा सकते हो। कैसे, जैसे खून का टेस्ट होता है नॉर्मली, ब्लड टेस्ट, वैसे वो भी पता चल जाएगा। अब वो जो टेस्ट होता है उसके अंदर दो तरह से ये चीज़ें पता चलती है। कैसे पता चलती है, कुछ होते हैं फ्री वाले टेस्टोस्टेरोन और कुछ होता है टोटल जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है। जो फ्री वाला होता है ना वो होता है जो फंक्शन में है, फंक्शनल जो हार्मोन है वो हमें वो देखना है, उसका लेवल होता है 200 से 800 तक नॉर्मल। अभी अगर उससे कम है तो क्या आपके अंदर कमी है, फिर आप इन सब दिक्कतों के साथ जा रहे हो, तो वो चीज़ें हैं, ओके। तो आप अगर आपकी कमी आ गई, मानो आपने टेस्ट भी करवा लिया, तो आप क्या कर रहे हो, आपने नेट पे ढूंढा कि कोई किसी ने कोई ऐड कर दी, किसी ने बता दिया कि ये ले लो सप्लीमेंट ले लो, इसके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा, अच्छा मेरे में तो यही कमी थी तो मैं ये हार्मोन ले लेता। ऐसे नहीं करना है। अब क्यों ये चीज़ें नहीं करनी है,
क्योंकि जिन लोगों के अंदर क्या होता है कि ये है कि अभी वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, मतलब फैमिली अभी पूरी नहीं हुई है, तो उनके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो कभी भी जो टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट है वो नहीं देते। अब वो क्यों नहीं देते वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और क्या देते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो देते हैं जो पिट्यूटरी हॉर्मोन है ना, मतलब अब मैं आपको रोल बताती हूँ, एक हॉर्मोन है पिट्यूटरी जो क्या है हेड मास्टर है, और जो दूसरा वाला है जो टेस्टोस्टेरोन जहाँ पे बनता है जो आपकी अंडाशय है वो एक जगह है वो, ठीक है, जो पिट्यूटरी वाली जगह है जो वो वाला ग्लैंड है ना वो हेड मास्टर है, वो बताता है कि इस वाले को कि ये काम करना है, तभी वो क्या करता है हार्मोन बनाता है। तो अगर किसी को अभी बच्चे पैदा करने होते हैं तो हम इस वाले को नहीं छेड़ते जो काम करता है वो हेड मास्टर करता है, मतलब हम ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे पिट्यूटरी वाला जो ग्लैंड है वो ठीक रहे, वो आगे सिग्नल दे कि तुम ये चीज़ें प्रोड्यूस करो और जो हार्मोन है आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर रहे। हम काम किससे करवा रहे हैं, हम उस जगह से काम करवा रहे हैं जहाँ दिक्कत है वहीं से निकलवा रहे हैं, तो वो कैसा हुआ, नेचुरल हुआ। तो अगर आपको बच्चे अभी पैदा करने होते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलवाने की कोशिश की जाती है, जो नेचुरल है, जो बॉडी निकालती है। और बाकी लोग जो ये गोलियां वगैरह होती है, जो दवाइयां आप देख के ले लेते हो, वो होते हैं सप्लीमेंट, मतलब बाहर से ही आप हार्मोन अंदर डाल रहे हो डायरेक्ट, तो वो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके ट्रीटमेंट के लिए आपको सप्लीमेंट चाहिए या फिर हमें वो चीज़ें देनी है, वो दवाइयाँ देनी है जो आपके पिट्यूटरी पे काम करे और आपका नेचुरली निकल सकता है, क्योंकि नेचुरल से बड़ी बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं, जो आपकी बॉडी के अंदर की चीज़ है उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, बाहर वाला तो सब कुछ आर्टिफिशियल है, तो उस पर नहीं जाना चाहिए आपको। इसीलिए अपने आप कोई भी इलाज ना करें कृपया करके, ठीक है। अगर ये सब कुछ दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है, एक तो सबसे बड़ी चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने जिम के प्रोडक्ट्स है जो उनके बारे में देखो, उनके बारे में रिसर्च करो, क्या आप ले रहे हो वो देखो, और अगर वो नहीं लोगे तो भी बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया है कि आप नेचुरल चीजों की तरफ जाओ, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए। अब मैंने बहुत सारी जगह पे ये सुना कि ड्राई फ्रूट से बढ़ता है, कुछ ऐसे नट्स बताते हैं, कुछ जैसे शिलाजीत हो गई, अश्वगंधा, ये ऐसी चीजें बताते हैं जिनसे क्या होता है कि हार्मोन का लेवल बढ़ता है। तो अनलेस और अनटिल उस चीज के साइड इफेक्ट ना हो और आप उसको लिमिटेड ले, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कि आपने आज बता दिया भाई शिलाजीत से तो ये हो जाता है, शिलाजीत से तो बहुत ज्यादा हार्मोन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा मन करने लग जाता है, मेरा तो मन नहीं करता मैं वो ले लूं, तो डब्बी भर के नहीं ले लेनी, जितना अमाउंट होता है लिमिट में वो चीजें लेनी है, रेगुलरली वो चीजें लेनी है, वो बेटर है उससे कि आप कोई भी दवाई लेने लग जाओ। और अगर आपको इफेक्ट दिख रहा है, मानो आपने शिलाजीत 10 दिन लिया, आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये ले रहा हूँ ना तो मेरा मन कर रहा है, तो वो चीज़ें बेटर है एज कम्पेयर टू कि अगर आप कोई दवाई ले रहे हो, आप बाहर से आर्टिफिशियल सप्लीमेंट अपने शरीर में डाल रहे हो, क्योंकि वो आपको प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, और अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो वो आप डॉक्टर के साथ साथ चलो जो वो आपको बोलते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं चाहती थी, जो मैं बताना चाहती थी, जो बहुत ज़रूरी मुझे लगती है, और जो गलतियाँ बहुत लोग कर रहे हैं, मैं खुद देख चुकी हूँ गलतियाँ लोगों को करते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, और अगर ऐसी दिक्कतें आपके साथ आ रही हैं तो खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से इलाज करवाएं, उसके साथ नेचुरल चीज़ें आप ले सकते हैं, लेकिन